देखिए, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन बाय दिस एंड दिस, देन द स्लोप एम ऑफ द थर्ड साइड इज गिवन बाय। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो इक्वल साइड्स हमें गिवन है, तीसरे साइड का जो स्लोप है वो एम है, तो इन में से किस रिलेशन से वो फाइंड होगा? तो देखिए, ये गिवन थी, इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट किया तो स्लोप कितना आ गया इसका? 7। ये गिवन थी, इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट किया तो स्लोप कितना आ गया? -1। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होंगे तो इसका स्लोप m और इसका 7। इससे हमें एंगल निकालना है, तो एंगल किससे निकालते थे? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो 7 और m रख दिया उसमें। दूसरे वाले में एम और -1 से निकालेंगे, लेकिन इनकी डायरेक्शन अलग है तो उसे नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, अब इसे रखेंगे तो ये मिला। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करेंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री का एक और क्वेश्चन करेंगे। वो कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल टू ऑफ हुज वर्टिसेज आर दिस इज 5, द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स। कोई ट्रेंगल है जिसके दो वर्टेक्स गिवेन है और उसका एरिया हमें 5 दे रखा है, थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ये ऑप्शंस गिवेन है हमें। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, एक्स थ्री माइनस एक्स वन, वाई थ्री माइनस वाई वन। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो ये एरिया कितने के बराबर दे रखा है? 5 के बराबर। 2 से इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10। अब एक्स टू माइनस एक्स वन, 3 माइनस 2 और -2 -1, तो ये मिला हमें। तीसरा वर्टेक्स हमने एक्स वाई कंसीडर कर लिया, तो एक्स थ्री की जगह एक्स, एक्स वन की जगह कितना? 2, वाई थ्री की जगह वाई और वाई वन की जगह 1। ये एरिया सॉल्व करेंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा, 3x + y - 17 = 0। क्वेश्चन में वो कह रहा था कि इनमें से कौन सा वर्टेक्स नहीं हो सकता, तीसरा वर्टेक्स कौन सा नहीं होगा, कैन नॉट बी। ठीक है, तो पहले 3 को हम इसमें रखेंगे तो तीनों सेटिस्फाई करेंगे इसको, तीनों को एक्स वाई की जगह रखेंगे तो पहले तीनों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो तो हो सकते हैं, लेकिन थर्ड ऑप्शन डी इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो आंसर हमारा कौन सा होगा? डी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन करेंगे। 3 पॉइंट दे रखे हैं। देर आर 3 पॉइंट्स गिवेन, k-1, k+2, k+1, k+1 एंड k आर कॉलिनियर। इफ दीज पॉइंट्स आर कॉलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ऑप्शंस आर दीज। कंडीशन फॉर 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, x2 - x1, y2 - y1, x3 - x1, y3 - y1 = 0। डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। पुट द वैल्यूज ऑफ x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3 फ्रॉम हियर। x1 y1, x2 y2, x3 y3। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू वी गेट दिस। तो इन सभी में क्या है? k कट जाएगा, k कैंसिल हो जाएगा, k कट जाएगा तो ये भी मिलेगा हमें जो -2 + 2 = 0 आ रहा है। तो जब इसमें k नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये k पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, k पे डिपेंड नहीं कर रहा तो ये सभी वैल्यूज, k की वैल्यू कुछ भी हो सभी के लिए क्या होगा? कॉलिनियर होगा, यानी 0 देगा ये, तो ये सभी के लिए कॉलिनियर होगा। तो ऑप्शन हमारा ए होगा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ k दीज पॉइंट्स आर कॉलिनियर। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री का एक और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट्स 3 स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, देन स्लोप्स ऑफ विच फॉर्म, यानी स्लोप उसके एपी में होंगे, जीपी में होंगे या एचपी में होंगे, या नन ऑफ दीज होगा ऑप्शन। ठीक है, तो हमें गिवेन कंडीशन दे रखी है ये वाली, अगर हम इसमें x = y रखते हैं तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी 0 के बराबर x = y पर। तो x - y एक फैक्टर हो जाएगा, उससे डिवाइड कर देंगे तो दूसरा फैक्टर x - 2y और तीसरा x - 3y आ जाएगा। अब ये 3 लाइन बन गई हमारी, तो
y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से पहले का स्लोप 1, दूसरे का स्लोप क्या आ जाएगा 1 बाई टू और तीसरे का स्लोप 1 बाई थ्री। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर कंपेयर कराएं तो पहले का स्लोप 1, ये 1 बाई टू और ये 1 बाई थ्री ये आया। तो नीचे जो हमें डिनोमिनेटर में 1, 2, 3 किस में ए पी में, तो इनका रेसिप्रोकल किस में होगा एच पी में, तो हमारा ऑप्शन सी होगा एच पी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल टॉयलसम ट्यूटोरियल्स YSMC को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।